हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इटालियन गेम में एक ट्रैप देखने जा रहे हैं, जिसको आप लोग व्हाइट पीसेस के साथ में खेल सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे ब्लैक ने क्या गलती किया और उसको उस पोजीशन में क्या खेलना चाहिए था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4 और इस मूव के बाद ये गेम इटालियन ओपनिंग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। bishop e7, knight c3, knight f6, d4, e takes on d4, knight takes on d4, d6, ब्लैक ने किया इस पोजीशन में शॉर्ट कैसल, व्हाइट ने भी किया शॉर्ट कैसल, h3, रुक e8, रुक e1। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट मूव में ब्लैक ने खेला नाइट d7। हम लोग अगर ब्लैक के तरफ से देखें तो वो बिशप f6 खेल के नाइट d e5 खेलना चाहता है, लेकिन हम लोग उसके इस प्लान पे पानी फेरने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट मूव में अपने ट्रिक को अंजाम देंगे, बिशप इंटू f7 चेक। और इसी के साथ ब्लैक को इस बिशप को रिकैप्चर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सचेंज और एक पॉन डाउन हो जाएगा। किंग इंटू e7, इस पोजीशन में हम लोग और एक किलर मूव खेलने वाले हैं, जो कि है नाइट e6। इस मूव के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक का क्वीन ट्रैप हो चुका है। इस पोजीशन में ब्लैक को इस नाइट को किंग से मारना ही पड़ेगा। किंग इंटू e6 और इसी मूव के साथ ब्लैक का गेम फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हम लोग खेलेंगे क्वीन d5 चेक। एक ही मूव है ब्लैक के पास, जो कि है किंग f6। और नेक्स्ट मूव में हम लोग ब्लैक को चेकमेट कर देंगे क्वीन f5 चेकमेट। हम लोग अगर ब्लैक का गलती को देखना चाहें तो वो इस पोजीशन में आता है, तब उसने नाइट d7 खेल के बिशप f6 खेलना चाहा था। उसको नाइट d7 के जगह बिशप f8 खेलना चाहिए था। उसके बाद गेम कुछ इस तरह से चलता, बिशप g5, h6, बिशप h4, नाइट e5, बिशप f1 और नाइट g6। इस पोजीशन में व्हाइट के पास ज्यादा स्पेस है, लेकिन ये पोजीशन दोनों साइड से प्लेएबल है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही चेस रिलेटेड ट्रिक्स एंड ट्रैप्स लाते रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।